गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 23 अप्रैल 114 पेज नंबर 114। आपका सुख कहाँ है? मैंने जैसे कल बताया, आनंद उल्लास में महर्षि परम पूज्य गुरुदेव आपका जो लीला विग्रह है वो 76 वर्ष की आयु के बाद आपने लीला स्मरण किया, तो ये जो 75वां वर्ष उनका मनाया गया उसमें ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, आनंद उल्लास। महर्षि की शिष्या कुंती बहन जालान बम्बई की, उनका भाव ये था कि महर्षि 75 प्रसंग लिखवा दें। प्रतिदिन प्रातः वो अपने घर से आ जाती थी, बम्बई में अपना जहाँ आश्रम है, आश्रम यानी फ्लैट है, तो महर्षि कुछ लिखवाते थे। कल का आपने देखा 14-15, आनंद उल्लास 14-15, आज उसके आगे है आनंद उल्लास 19-20। तो ऐसे मैंने कल बताया 36 प्रसंग ही महर्षि लिखवा सके, शेष उसने जो आशीर्वादात्मक और महर्षि के जो वाक्य थे उनको एकत्रित करके 75 वहाँ मूल पुस्तक में आप देखेंगे। तो आज का जो हमारा प्रसंग है वो कल जहाँ महर्षि ने एक बात बताई थी अंत में कि ये जो हम फलाशक्ति कर्माशक्ति कर्तृत्वाशक्ति अकर्तृत्वाशक्ति चाह कर भी हम इनसे नहीं छूट पाते हैं, मैंने दृष्टांत दिया था पुरुष में, जैसे प्रतिदिन सुबह वो दाढ़ी बनाते हैं, तो दाढ़ी बनाते हैं तो अगले दिन सुबह फिर बाल उगे आते, तो ऐसे ही मानो हमारे प्रयास करने पर भी ये जो जिसको हम छोड़ना चाह रहे हैं वो छूट नहीं पाते। तब उसका समाधान देते हैं कि ये चारों से आप तब छूटेंगे जब आत्मा की पूर्णता का बोध होगा। तो आत्मा की पूर्णता का बोध ये तो अंतिम कक्षा है साधन की, वेदांत विचार आदि, इसके पूर्व हमें क्या करना होगा वो बातें भी महर्षि ने समझाई हैं। तो आज के प्रश्न में हम देखेंगे कि पूर्व में साधना का स्वरूप यह है कि हमारे बुद्धि में, हमारी बुद्धि में यह निश्चय हो जाए कि जहाँ हम सुख खोज रहे हैं वहाँ असली सुख नहीं है। सुख नहीं है ऐसा नहीं कहते महात्मा लोग शास्त्र, असली सुख जिसको हम चाह रहे हैं। जो लोग बहुत ध्यान से इन पृष्ठों को सुनते हैं और स्वयं भी देखते हैं, तो 30 मार्च में वहाँ आनंद सूत्र दे दिया है, पेज नंबर 90। तो ये आनंद सूत्र अलग से, जैसे मैंने कहा वो जो 36 प्रसंग लिखवाए थे उसको संकलित करके अलग से एक पुस्तक छाप दी गई, उसका नाम आनंद सूत्र रख दिया गया, क्योंकि आनंद उल्लास मोटी थी, उसमें 75 प्रश्नोत्तर भी थे, तो समझो कोई उसको न ले सके। तो आनंद सूत्र जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं, मुझे लगता है कि मुश्किल से 70-80 पृष्ठ, तो उसी में यही जो लिखवाए हुए प्रसंग है वही है। तो वहाँ महर्षि ने ये बात बताई थी
कि हम जो चाहते हैं वो ये सब नहीं है। वहाँ 14 चीज़ों की गिनती की थी और बताया था कि हम न धन, न भवन, न ऐश्वर्य, न परिवार, न प्रतिष्ठा, न यश, न कीर्ति, न धर्म, न कर्म, न भोग, योग, मोक्ष, संयोग, वियोग, ये सब यदि आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ आप चाहते हैं तो वह आपका भ्रम है। आप इनमें से कुछ भी नहीं चाहते हैं, आप इनसे होने वाला सुख चाहते हैं। यानी यही धन, भवन, ऐश्वर्य, परिवार अगर हमको दुख देने लगे तो हम उसका भी त्याग करके और अपने को अलग कर लेते हैं। उसी पृष्ठ में महाराज ने समझाया कि वस्तुतः जिस सुख की हमको कामना है वो हम हर समय, हर देश में, हर वस्तु से स्वतंत्र और बिना परिश्रम या बहुत कम परिश्रम किए हुए और अनुभव में आता हुआ 6 बातें बताई। ऐसा सुख जो हम चाहते हैं अगर इन सबको मिला दें तो उसका नाम होगा ईश्वर। तो हर व्यक्ति चाहता ईश्वर को ही है, परंतु माया क्या करती है कि जो सामने विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो इसका हमको अनादि जन्मों से अभ्यास है, तो ये हमारे लिए सरल है कि इसमें हम सुख को खोजें और सुख प्राप्त करें। पर अंतिम अनुभव सबका यही है कि वो जो सुख और शांति हम चाह रहे हैं वो इन विषयों में नहीं है। कल मैंने 4 बातें बताई भगवान शंकराचार्य जी की। परा प्रकृति यानी ये जो संसार है, ये जो प्रपंच है, इसमें बल्कि इसको पूरे के पूरे को 4 शब्दों से स्वयं भगवान के अवतार शंकराचार्य जी ने कहा कि ये निकृष्ट हैं, ये अशुद्ध हैं, ये अनर्थकारी हैं और ये बंधनात्मिका है। बुद्धिमान व्यक्ति जब विचार करता है तो चारों की चारों चीज़ें इन जिसमें हम सुख खोज रहे हैं उसमें वो है। क्या? अनर्थकारी है, निकृष्ट है, अशुद्ध है और बंधनात्मिका है। तो हम तो बंधन से मुक्त होना चाह रहे हैं। तो पहले महापुरुष लोग ये दिखाते हैं कि जहाँ हमारी खोज है वहाँ सुख नहीं है। कल भी यही बताया, कर्माशक्ति, फलाशक्ति, कर्तृत्वाशक्ति, अकर्तृत्वाशक्ति। बोले ठीक है, अगर तुम में फलाशक्ति अब नहीं है तुम धन्यवाद के पात्र हो। कर्माशक्ति नहीं है बहुत अच्छी बात है, हर सीढ़ी पे शाबाशी दे रहे हैं। पर अंत में क्या बताया कि इन सबसे जब हम छूटना चाहेंगे तो वो कब होगा? जब आत्मा की पूर्णता। तो आत्मा की पूर्णता का जैसे मैंने बताया वो चूँकि अंतिम साधना है इसलिए अनायास उसमें हम प्रवेश नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे पहले जहाँ हम फंसे हैं वहाँ से हमको हटाते हैं। आज भी देखिए क्या कह रहे हैं, आपका सुख कहाँ है? प्रथम पैराग्राफ में आप आभूषण, कंगन, हार आदि तुड़वा कर उनकी नई रूपरेखा क्यों देना चाहते हैं? भाई इतना बढ़िया हार था, है ना? आप कहते नहीं, अब इसको देवी जी कहती हैं इसको हमको अब दूसरी डिजाइन का चाहिए। अच्छा, एक बार साड़ी पहनकर क्यों बदल देना चाहते हैं? एक से मैत्री हो जाने पर फिर क्यों दूसरे के साथ जोड़ना चाहते हैं? प्रश्न का उत्तर स्वयं दे रहे हैं, वस्तु में परिवर्तन होता रहता है। साड़ी हमने पहनी पर अब नई डिजाइन की साड़ी आई है, है ना? हमारे में सामर्थ्य है, हमारे पास पैसा है, नए नए डिजाइन की जो आ रहे हैं आभूषण, और मित्रता,
वस्तु में परिवर्तन होता रहता है। वही मित्र जो हमको इतना चाह रहा था, अब वो किसी और से ज़्यादा हमको, हमारे प्रति अब उसका उतना प्रेम नहीं है। वस्तु में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए अगले वाक्य में बता रहे हैं, कोई भी वस्तु, वस्तु हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, कोई भी वस्तु बहुत दिनों तक एक सी प्रिय नहीं रहती। कल आए थे दिल्ली के एक दंपति और विशाल, तो हम उनको बता रहे थे महाराषि की एक बात। महाराषि कहा करते थे कि ये यहाँ पर भी मैंने सुनाया है और दोहरा देता हूँ, प्रारंभ में शादी के बाद प्रारंभ के 2-3 साल ही प्रेम में, वो भी बीत जाए तो बहुत बड़ी बात है ना, बाकी पूरा जीवन जो है वो समझौते का जीवन। कोई भी वस्तु बहुत दिनों तक एक सी प्रिय नहीं रहती। ये वाक्य क्यों महात्मा लोग कहते हैं कि हम लोगों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि असली सुख कहाँ है। आज का शीर्षक है, आपका सुख कहाँ है। तो सुख अगर उस वस्तु में होता, उस मित्र में होता, या उस आभूषण में होता, या उस साड़ी में होता, तो परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं थी। 3 दृष्टांत दिए, तो वस्तु में नर्तन परिवर्तन है, बदलना ही उसका स्वभाव है। वे आपको सर्वदा सुखी नहीं रख सकती हैं। क्यों मोबाइल बदल देते हैं लोग? भाई बहुत बढ़िया, जब लिया था तो ये थोड़ी सोचा था कि हम इसको भी बदल देंगे, तो बहुत प्रिय था, पर जैसे ही पता लगा कि दूसरे वाले में और बढ़िया चीज़ें हैं तो उसको भी बेच दिया, नया ले लिया। वे आपको सर्वदा सुखी नहीं रख सकती हैं। इंद्रियों में, चलो वस्तु को छोड़ो, हमारी जो इंद्रियां हैं, वस्तु तो बाहर की चीज है, इंद्रियां तो हमारे में जो औजार हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, उसको लेके अब थोड़ा सा महर्षि बहुत ही संक्षेप में सूत्र रूप में, इसीलिए इसका नाम रखा आनंद सूत्र, सूत्र रूप में हमको बता रहे हैं। इंद्रियों में जो भोग उपभोग की शक्ति है वह भी एक सी नहीं रहती, क्षीण होती जाती है। वस्तु को छोड़ो, वस्तु तो परिवर्तनशील है, परंतु इंद्रियां हमारी जो हैं, है ना, अब आगे बताएंगे, इसको स्पष्ट करेंगे, वस्तुएं तो बदलती ही हैं, इंद्रियों की शक्ति भी बदलती है। महाराज समझाइए इसको, स्वयं समझा रहे हैं। 17-18 वर्ष की जवानी जब 25-35, 55-75 को छूती है ना, सभी उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं, है ना, सीनियर सिटीजन हमारे जैसे लोग, शर्मा जी जैसे लोग भी बैठे हैं, माता जी बैठी हैं, हैं 75 के आसपास छूने वाले, और 17-18 वर्ष की जवानी। तो ये जो जवानी जब आगे की अवस्था को छूती है तो सारा रूप रंग बदल जाता है। दांत अब वो नहीं रहे, होठ, चाम, स्वर, बल, पौरुष, ये तो बदलते ही हैं। भोग में पहले जैसी रुचि भी नहीं रहती है, यानी इंद्रियों में अब शक्ति नहीं रही, वो बात तो छोड़ो, पर एक महात्मा कहते थे कि ये जो सत्संग हम लोग करते हैं ना, तो धीरे 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 बातें समझ में आती हैं। होता क्या है कि जब हमारे शरीर में शक्ति थी, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात महात्मा ने बताई है, जब हमारे शरीर में शक्ति थी तब ये अनुभूति नहीं थी। सत्संग से व्यक्ति जो अनुभूति प्राप्त करता है वो कब प्राप्त करता है? जब काफ़ी वृद्धावस्था की ओर चला जाता है। अब बोले अनुभूति तो है, कब? वृद्धावस्था में।
परंतु शरीर में शक्ति नहीं। जब दांत थे तो जिसको हम चबा सके हमारे में वो संपन्नता ही नहीं थी, पैसा ही नहीं था कि हम चना खा सके या है ना गन्ना खा सके। और अब जब दांत चले गए अब संपन्नता आ गई है ना, अब लोग लाके गन्ना दे रहे हैं। तो जब शक्ति थी तब अनुभूति नहीं थी, और अब यानी अब वो शक्ति का क्या करे वो व्यक्ति, वो जो जवान व्यक्ति है शक्ति का दुरुपयोग होता है। और अब जब अनुभूति है तो शरीर में शक्ति नहीं। तो महर्षि कह रहे हैं कि वस्तु का परिवर्तन एक बात, इंद्रियों में भोग की जो शक्ति है वो भी एक सी नहीं रहती, क्षीण होती जाती है, और तीसरी बात भोग में पहले जैसी रुचि भी नहीं रहती। भोग बहुत बढ़िया बढ़िया है ना, एक गिलास का चमचम ला रहे तरुण, क्या खावे स्वामी जी है ना। वृद्ध व्यक्ति कहेगा चीज़ तो बहुत बढ़िया लाया है तरुण, पर क्या खावे है ना, पचता ही नहीं। तो भोग में पहले जैसी रुचि भी नहीं रहती है, खा भी लेंगे तकलीफ हो जाएगी। अब अगले पैराग्राफ में, कोई चाहे कि मैं निरंतर भोग और उसके लिए उद्योग में ही लगा रहूं तो यह भी संभव नहीं है। तीन पॉइंट ऊपर दिए, वस्तु इंद्रियां और भोग की रुचि। वस्तु में परिवर्तन हो गया, इंद्रियों में शक्ति क्षीण हो गई, भोग में पहले जैसी रुचि नहीं रही। चौथी बात क्या है, चौथी बात ये बता रहे हैं महर्षि कि उद्योग में ही लगा रहूं, है ना भाई, मेरे में मानव की शक्ति है और मैं परिश्रम में यानी उस चीज़ को प्राप्त करने में निरंतर लगा रह सकता हूँ। सुबह से शाम तक लोग काम करते हैं, आजकल ये जो मल्टीनेशनल में जो काम करते हैं, हमारे शर्मा जी को पता है, आपके तो तीनों पुत्र अमेरिका में हैं, खरीद लिए जाते हैं, वो जो कंपनी है उस व्यक्ति को खरीद लेती है, जैसे ही उसका अपॉइंटमेंट होता है उसको लैपटॉप दे देते हैं। अब वो लैपटॉप उसको 24 घंटे उसको रखना पड़ेगा कि कब कंपनी से क्या बात आवेगी, बिल्कुल उसको दास बना लेते हैं। अगर कोई समझे, ऐसे हैं कमल का भाई जो है कुलभूषण, वो अमेरिका में रहता है, अब महाराज यहाँ आया, दिन में तो जागता ही है, रात को भी जागता है, क्योंकि रात का काम वहाँ दिन है तो वहाँ का काम कर रहा है रात को। अरे हमने कहा तुम्हारा स्वास्थ्य चौपट हो जाएगा, बोले स्वामी जी क्या करें, तो अभी तो शरीर में शक्ति है। तो महर्षि क्या करें, कोई चाहे कि मैं निरंतर भोग और उसके लिए उद्योग में ही लगा रहूं तो यह भी संभव नहीं है। क्यों, अवश्य ही उसको रोग होगा, वो चाहे डायबिटीज़ हो चाहे ब्लड प्रेशर हो, अगर वो अपना ठीक ठीक उसको नहीं नियंत्रण कर पा रहा है ना, विवेक से उसको नहीं समझ पा रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है महाराज, अभी तो हमारे शरीर में शक्ति है। सुनो, आराम चाहिए, विश्राम चाहिए, उपराम चाहिए, चाहिए ही चाहिए, गाढ़ सुषुप्ति चाहिए, पगला जाएगा व्यक्ति, कब तक भोक्ता बने रहेंगे। यानी वो क्या सोच रहा है कि मैं निरंतर भोग में लगा रहूं और उसके लिए मैं उद्योग करता रहूं, पर प्रश्न कर रहे हैं महर्षि कि कब तक भोक्ता बने रहेंगे, हाथ पांव शिथिल हो जाएंगे, मन विवश होकर सो जाएगा, है ना। तो ये चौथा पॉइंट भी स्पष्ट कर दिया। अब चारों को एक साथ में कर रहे हैं, आप इन्हीं वस्तुओं से, इंद्रियों से, रुचियों से, भोक्तापन के अभिमान से अपने को सुखी करना एवं रखना चाहते हैं, यह कितनी विडंबना है। दो पैराग्राफ में बहुत ही संक्षेप में इसकी व्याख्या है ना, घंटों हो सकती है, पर बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सूत्र रूप से काफ़ी है। एक वाक्य में चारों चीज़ों को रख दिया,
आप इन्हीं वस्तुओं से, इंद्रियों से, रुचियों से, भोक्तापन के अभिमान से अपने को सुखी करना एवं रखना चाहते हैं, यह कितनी विडंबना है। यानी जो समझदार है उसके लिए नहीं कह रहे हैं, पर जो अभी ना समझ है, जिसने कभी बैठ के विचार नहीं किया और अंधाधुंध लगा हुआ है ना, उसको जगा रहे हैं। रोटी राम बाबा स्वामी गिरीशानंद जी के जो जिनके पास में थे वे पहले, बाद में उन्होंने ही महाराज जी के पास भेजा। उन्होंने अपना नाम रोटी राम बाबा इसलिए रखा कि रोटी राम कहते हैं कुत्ते को, तो ऐसा नाम क्यों रखा? बोले कि हम भोगते रहेंगे, है ना, जब तक तुम लोग जागोगे नहीं तब तक हम भोगते रहेंगे। तो महात्मा लोग बता रहे हैं कि भाई ये कितनी विडंबना है, इसको समझो, इस पर विचार करो। ठीक है, हमने विचार किया और बात समझ में आई, अब आप बताइए कि हम क्या करें। आगे बता रहे हैं, आप अपने सुख के लिए इन बाहरी वस्तुओं का चुनाव क्यों करते हैं? पहला प्रश्न। तो बाहरी वस्तुओं का चुनाव नहीं करें तो क्या करें? तो अब ये बाहरी वस्तुएं जो हैं, देखिए आत्मा तक ले जाना है ना, तो ये आत्मा से सब बाह्य है। सबसे पहले धन को लो। धन जो है इसको कहते हैं अर्थ, अर्थ पुरुषार्थ है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो मोक्ष तो आत्मा का ही नाम है, पर इसके अलावा जो तीन पुरुषार्थ हैं, तो उसमें सबसे बाह्य क्या है? धन, यानी कि अर्थ। धन सर्वथा बाहर रहने वाली वस्तु है। महर्षि का प्रश्न क्या है? आप अपने सुख के लिए इन बाहरी वस्तुओं का चुनाव क्यों करते हैं? क्या अर्थ हुआ कि जब चार पुरुषार्थ हैं तो ये बात ठीक है कि धन भी अर्थोपार्जन भी पुरुषार्थ है, पर इसी का ही चुनाव करना अपने सुख के लिए, ऊपर बता दिया कि विडंबना है। तो अगर ये विडंबना है तो आप बताइए हमको कि हम क्या करें। बता रहे हैं, धन सर्वथा बाहर रहने वाली वस्तु है, उसमें सुख की कल्पना करनी पड़ती है। ऐसा क्यों कहा हमारा सिंह? अरे भाई आप हमको धन दीजिए, कोई सुख की कल्पना नहीं है। धन जब आएगा तभी तो सुख मिलेगा। डाकू आ गए, मनोहरी जो श्याम जी की बहन आती है, कोटा में ये लोग रहते थे शादी के पहले, तो नहीं सॉरी शादी के बाद, शादी के पहले तो वृंदावन में थी, तो कोटा में गई ससुराल में, और ये लड़का, अब तो उसकी शादी होने वाली है, नमन छोटा था। डाकू लोग आए रातों रात और उस बच्चे पे रिवॉल्वर रख दिए और बताया कि जितना है सब निकालो, सब निकाल निकाल के दिया। उसमें यानी धन में सुख की कल्पना करनी पड़ती है। अरे भाई धन में सुख होता तो अब उसको निकाल निकाल के क्यों दे रहे हैं? वो तो इतने परिश्रम से अर्जित किया हुआ है ना। चलो छोड़ो, धन में सुख नहीं है, हम आपकी बात मान लेते हैं, है ना, भोग में तो सुख है ही है। महर्षि अगले वाक्य में कह रहे हैं ये क्या है, ये काम पुरुषार्थ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो धर्म और मोक्ष को अभी रहने दीजिए। ये जो दो पुरुषार्थ है, अर्थोपार्जन और भोग यानी काम, भोग का सुख मन में रहता है, कुछ अंतरंग अवश्य है। यानी धन जो बाहर है उसकी अपेक्षा ये मन में है, यानी उससे अंतरंग भीतर अवश्य है, परंतु क्षणिक है। इगलास से आया चमचम, भोग लगा ठाकुर जी को, पाया सबने, है ना, जीभ से नीचे उतरा, बस खत्म, क्षणिक है। भोग का सुख क्षणिक है, कोई भी भोग, ये तो मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, है ना, किसी भी भोग की आप समीक्षा करें, उसका है ना विश्लेषण करें, तो वो जो सुख है वो क्षणिक है। क्षणिक सुख हम नहीं चाह रहे हैं। 30 मार्च का जो पृष्ठ था, सबसे चाह रहे हैं, सब समय से चाह रहे हैं, सब काल में चाह रहे हैं, है ना, तो क्षणिक कहाँ चाह रहे हैं।
बोले महाराज, अभिमान का जो सुख है वो तो ठीक है ना। महाराज से कह रहे हैं तीसरी पंक्ति में दो पुरुषार्थ गिना दिए, अब ये जो अभिमान है वो भी उसी में यानी भोग में ही है। अभिमान का सुख उसकी अपेक्षा भीतर बुद्धि में रहता है, परंतु ये अभिमान का सुख अलग से क्यों गिना रहे हैं कि ये जो अभिमान का सुख है इसको बहुत विस्तार में मतलब 5-6 पंक्तियों में समझाएंगे। अभिमान का सुख उसकी अपेक्षा भीतर बुद्धि में रहता है, परंतु संसार में जितना दुख आता है इस अभिमान को ही प्रभावित करता है। अभिमानी व्यक्ति पर ही चपत पर चपत लगती है, अभिमानी को ही शोक मोह भय की प्राप्ति होती है। बीते हुए के लिए शोक, वर्तमान को पकड़कर रखने का मोह और आने वाले के लिए भय अभिमान के ही आश्रित रहता है। ये जो अभिमान को लेकर मैंने 4 पंक्तियाँ पढ़ी, इसमें विचार ये करना है कि मैं इसको और सरल करके समझाएं तो एक है मुख्य आत्मा, एक है मिथ्या आत्मा और एक है गौण आत्मा। तो मुख्य आत्मा का महात्मा लोग धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो तो ऐसी चीज़ है जो जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक वो मुख्य आत्मा की पकड़ हमें नहीं आवेगी। तो वैराग्य कराने के लिए ये जो मिथ्या आत्मा यानी जिसको मैं मान रहा हूँ, जितने हम लोग सब बैठे हैं है ना, मैं गोविंदानंद है ना, सब अपने अपने को मैं के रूप में जो मान रहे हैं वही अभिमानी है। उस अभिमानी का जो कहते हैं कि पोल पट्टी खोल रहे हैं, पोल पट्टी क्या है उस अभिमानी की, सुनो। अभिमान का सुख उसकी अपेक्षा भीतर की बुद्धि में रहता है, भीतर बुद्धि में रहता है, यानी धन सर्वथा बाहर है, भोग कुछ अंतरंग अवश्य है, पर अभिमान जो है महर्षि कह रहे हैं कि वो मन में नहीं है, वो बुद्धि में है। तो इसकी भले वो पुरुषार्थ में उसको नहीं गिनाया, पर हम उसको अभी भोग में ही ले लें। तो भोग में यानी ये जो काम पुरुषार्थ है, इस काम पुरुषार्थ में व्यक्ति को क्या अभिमान। मैं नाम नहीं लूँगा पर आप लोग जानते हैं है ना, अभिमानी व्यक्ति हमको कभी पसंद नहीं आवेगा, कोई भी होने दो। तो वो अभिमानी व्यक्ति वो अभिमान क्यों करता है, अभिमान का सुख उसकी अपेक्षा भीतर बुद्धि में रहता है, उसको पद का अभिमान है ना, उसको अपने धन का अभिमान है, चलो पद भी नहीं है धन भी नहीं है, उसको अपनी विद्वत्ता का अभिमान है। तो इस प्रकार ये जो अभिमान है वो बुद्धि के अंदर रहते हैं, पर अब क्या होगा जब कोई दूसरा विद्वान आएगा और इस विद्वान को कहेगा है ना, तुम ये चीज़ जानते हो, श्वेत केतु उपनिषद में कथा आई है, उद्दालक यानी आरुणी उनके पिता थे, तो वो तो ज्ञानी थे पर ये 12 साल गुरुकुल में पढ़ के जब आया तो लगा कि पिता तो हमारे अज्ञानी हैं, उसको नहीं पता था कि पिता ज्ञानी हैं। पिता को प्रणाम तक नहीं किया, लौट के खंभे जैसे खड़ा रहा। पिता समझ गए पिता ज्ञानी थे, अरे ये बच्चा हमको प्रणाम तक नहीं कर रहा है। बोले बेटा तुमने क्या वो चीज़ जान ली है जिसको एक को जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। उसका माथा ठनका, क्योंकि 12 साल गुरुकुल में ये चीज़ तो गुरु ने बताई नहीं कि एक को जान लो तो सब कुछ जान लिया है ना। तो वहाँ फिर संवाद आया है, तो कहने का अर्थ है कि अभिमान पे जब चोट लगी तब वो पिता के प्रति
समझ गया है ना, अब वो गुरुकुल में जाना नहीं चाहता था, तो पिता को फिर प्रार्थना की कि आप ही बता दीजिए। तो ये जो अभिमान है वो चाहे विद्वत्ता का हो, चाहे धन का हो, चाहे पद का हो, है ना, कोई भी अभिमान है, इसकी तीन चार बातें महर्षि बता रहे हैं। ये बात ठीक है कि अभिमान का सुख उसकी अपेक्षा, मतलब जो धन है सर्वथा बाहर है, भोग है वो मन में है, तो इन दोनों की अपेक्षा भीतर बुद्धि में वो रहता है। परंतु पहली बात अभिमान के बारे में, संसार में जितना दुख आता है इस अभिमान को ही प्रभावित करता है। अब वो 12 साल गुरुकुल से जो पढ़ के आया था उसका अभिमान चूर हो गया। तो वहाँ मूल उपनिषद में बताया है कैसे पिता ने ज्ञान दिया उसको, है ना। अभिमानी व्यक्ति पर ही चपत पर चपत लगती है, क्या होगा, है ना, उससे बड़ा तो ही है ना कोई। भाई हमको पद मिल गया समझो यहाँ आश्रम में, तो वहाँ वो मालिक तो बैठे हैं ना, उसी को चपत पर चपत लगेगी। किसको, अगर वो अभिमान करेगा, अगर वो जानता है कैसे झुकना है ना, तो वो अभिमानी व्यक्ति सोचेगा अरे हम क्यों यहाँ नौकरी करें, हमारा इस प्रकार अपमान किया जा रहा है ना, कोई हमसे गलती नहीं हुई फिर भी हमको इस प्रकार बोला जा रहा है। तो अभिमानी व्यक्ति पर ही चपत पर चपत लगती है। इतना ही नहीं, शोक मोह और भय ये किसको प्राप्त होंगे, अभिमानी को। क्यों, ये अभिमान के ही आश्रित रहते हैं तीनों के तीनों। तो इसके अभी व्याख्या में मैं नहीं जा रहा हूँ। इन सब दुखों से छुटकारा और परमानंद की प्राप्ति, इन सब दुखों से छुटकारा मतलब धन अर्थोपार्जन, उसको बताया कि उसमें सुख की कल्पना करनी पड़ती है। मैंने कोटा का दृष्टांत दिया, सुख की कल्पना करनी पड़ती है। भोग का सुख मन में रहता है ना, क्षणिक है। अभिमान का सुख कुछ नहीं है, अभिमान का सुख तो शोक मोह भय लगा हुआ है ना, अभिमानी व्यक्ति पर चपत लग रही है। तो अब बचा क्या, बीते हुए के लिए शोक, वर्तमान को पकड़ कर रखने का मोह और आने वाले के लिए भय, अभिमान के ही आश्रित रहता है। इतना सब विश्लेषण करके अब महर्षि मूल पर आ रहे हैं। तो मूल में क्या, दो ही बचे, धर्म और मोक्ष। तो इन सब दुखों से छुटकारा और परमानंद की प्राप्ति वह अपने आत्मा के ही नाम है। यानी अगर यही जितना ये सब है, अर्थोपार्जन भोग, ये सब अगर धर्म के नियंत्रण में, वर्णाश्रम धर्म के नियंत्रण में जब हम करेंगे तो क्या होगा कि अब हमारे मोक्ष का मार्ग खुल गया। तो मोक्ष क्या है, चौथा पुरुषार्थ, जिसको परम पुरुषार्थ कहा है। तीन पुरुषार्थ जो हैं वो पुरुषार्थ हैं और मोक्ष जो है वो परम पुरुषार्थ है। तो उसी को कहते हैं आत्मा, उसी को कहते हैं परमात्मा। इसलिए इन सब दुखों से छुटकारा हम चाह रहे हैं महाराज, और परमानंद की प्राप्ति वो भी हम चाह रहे हैं, वो अपने आत्मा के ही नाम है। वहाँ भी 30 मार्च में बताया कि इन सब को इकट्ठा कर लो, है ना, तो वो परमात्मा ही है, वो ईश्वर ही है। हम ये नहीं कहते कि तुम ईश्वर को चाहो, हम तो ये बता रहे हैं कि तुम ईश्वर को ही चाह रहे हो, पर हमको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए हम संसार में ढूंढ रहे हैं। एक बहुत बढ़िया दृष्टांत देके महर्षि ने समझाया, बहुत सुंदर। जल का एक जलाशय था और निर्मल जल, इस व्यक्ति ने देखा कि वहाँ कोई मणि, चमकदार मणि उस जल में पड़ी हुई थी। अच्छा था, तैरना जानता था, गोताखोर था, इतनी जो बहुमूल्य मणि किसी की भी हो या जैसे भी हो, इसको मैं ले लूँ। कूदा, कोशिश करी, हाथ नहीं लगी। फिर बाहर आया, फिर देखा चमक रही थी, अंदर निर्मल जल में स्पष्ट दिख रही थी, वहाँ है।
कई बार उसने प्रयास किया। अब चूंकि हर बार कूदता था तो पानी हिल जाता था, तो उसको नहीं समझ में आता था कि कहाँ है, कैसे छूट गई, क्यों नहीं मैं पकड़ पाया। तो बार बार फिर प्रतीक्षा करता था, थोड़ा पानी फिर शांत हो जाए, फिर कूदता था। एक वही महात्मा खड़े थे, अनेक प्रयास करके थक गया, जाने लगा। महात्मा ने उसे रोका। वहीं किनारे पे एक पेड़ था और पेड़ पे वो मणि वहाँ अटकी हुई थी, उसकी परछाई उस जल में पड़ रही थी। महात्मा ने उसको बताया कि मणि जहाँ तू ढूंढ रहा है वहाँ नहीं है, मणि यहाँ है। महर्षि यहाँ क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सब दुखों से छुटकारा और परमानंद की प्राप्ति वह अपने आत्मा के ही नाम है। देखिए, धन बाहर, सुख भोग का मन में, अभिमान बुद्धि में, और आत्मा, बोले यही खजानों का खजाना है। सब दुखों से छुटकारा और परमानंद की प्राप्ति वह अपने आत्मा के ही नाम है। अब ये महर्षि को जितना बताना था वो बता दिया, अब पूरा कर रहे हैं। इनमें वस्तु करण मन बुद्धि किसी की पराधीनता नहीं है। आप कहेंगे कैसे? गाढ़ सुषुप्ति में भगवान जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं इसका अनुभव देते हैं। गाढ़ सुषुप्ति में कोई वस्तु थी, कोई नहीं थी, हमारे करण, हमारी इंद्रियाँ सब लीन थे, हमारा मन वो भी अविद्या में लीन था, हमारी बुद्धि वो भी अज्ञान में लीन थी। और वहाँ पर अगर कोई कहे कि हमको सुख नहीं मिला गाढ़ सुषुप्ति में, असंभव। गाढ़ सुषुप्ति में जाकर फिर हम ताज़ा हो जाते हैं, वहाँ परमात्मा से हम एक होते हैं। तो परमात्मा के सुख के लिए किसी पराधीनता की जरूरत नहीं है। इनमें वस्तु करण मन बुद्धि किसी की पराधीनता नहीं है, पर वहाँ क्या है? वहाँ अज्ञान है, अज्ञान में ये सब लीन रहते हैं। तो महात्मा लोग जागृत में हमको ज्ञान देते हैं कि इसको जान लो कि वो मणि जो है वो जहाँ हम संसार में ढूंढ रहे हैं वहाँ नहीं है। इतना विश्लेषण करके बता दिया, अब जहाँ है वहाँ के लिए हमको जो साधना बताई जा रही है वो करनी पड़ेगी। इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ है, जब है, जो है, जैसे कैसे हैं, स्वयं परमानंद स्वरूप हैं। ये केवल परलोक के लिए नहीं है। कोई किसी को लगे कि महाराज ये जो बातें बता रहे हैं वो इस लोक के लिए नहीं है, मर जाए उसके बाद इसका अनुभव होगा, नहीं, ये परलोक के लिए नहीं है। इसी लोक में, इसी जीवन में, इसी देखने सुनने वाले को इसका प्रत्यक्ष होता है और स्वतंत्रता का साक्षात्कार होता है। आप लोगों ने देखा, स्वामी रमणानंद जी को देखा, दत्ता अवधूत जी को देखा, हमारे अमरकंटक के महात्मा जी आते हैं देखा, भले निरंजनानंद जी, गिरिशानंद जी के जो जिन्होंने संन्यास दिया गिरिशानंद जी को, भले एक ही रात रुके वो, पर उनका भी दर्शन किया, है ना, प्रतिदिन आते ही थे वो, है ना, भोजन पे बैठते थे, कितना शांत। उनके बहुत सारे ग्रंथ आए हैं हमारे पास। तो ये जो महापुरुष हैं उन्होंने इसका पता लगा लिया। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे मत सोचो कि ये जो बातें बताई जा रही है वो परलोक के लिए है। इसी लोक में, इसी जीवन में, इसी देखने सुनने वाले को इसका प्रत्यक्ष होता है और स्वतंत्रता का साक्षात्कार होता है। अभी अभी यानी इसी समय में, यही यही, यानी कहीं जाना नहीं है कि भाई गरुड़ गोविंद में जाना पड़ेगा, यही यही जहाँ हम बैठे हैं, और यही यही जिस रूप में हम हैं, और तुम ही यह परमानंद हो, यह अनुभव ही महात्माओं की स्थिति है। क्या आप ये अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं? बोले हाँ महाराज, चाहते तो हैं। तो कहीं जाइए मत, लौट आइए अपने घर में,
अपने स्वरूप में। कोई कहे कि हरिद्वार जाना पड़ेगा या ऋषिकेश जाना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, लौट आइए अपने घर में। अपने घर में यानी अपना जो आत्मा है, अपने स्वरूप में। बस आप देखेंगे कि उस पर कोई आवरण नहीं है, आप ही आप हैं। नारायण 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 नारायण, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।